Hello students, very good morning to all of you. So let's start the discussion of last lecture. Last lecture में कुछ सवाल मैं देखे गया था आपको domain के ऊपर, वही आज अपन discuss करेंगे इस lecture के अंदर. पहला जो सवाल आपको दिया जा रहा है, square root of something. अब एक बार यहाँ ये गौर करिए, function कौन कौन से involve हैं. एक तो ये root function है, तो उसको define करना है. और जो अंदर आपने functions लगा रखे हैं बहुत सारे, यहाँ पे काफी कुछ सजावट कर रखी है सवाल के अंदर. मैंने अंदर जो फंक्शन है सारे कैसे हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं. तो पॉलिनोमियल्स का डोमेन तो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स. यानी उनको तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत ओनली किसको है, रूट को. तो उसकी दिक्कत को दूर करिए. और वो डिफाइन कब होता है, जब उसका इनपुट कैसा बन जाए, जब उसका आर्ग्यूमेंट कैसा बन जाए, जीरो या जीरो से बड़ा बन जाए. तो आपको करना क्या है, ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है इनपुट, उसको पॉजिटिव कर देना है. तो जी मैं इसको हटा दे रहा हूँ. सवाल आपने लिख ही रखा ऑलरेडी, ये इसका इनपुट था, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब इस इनइक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है आपको. अब एक चीज देखिए, आप ये जो क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है, इसका डी नेगेटिव है. अगर किसी क्वाड्रेटिक का डी लेस देन जीरो होता है तो उसका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का होता है. बिहेवियर का मतलब साइन से पॉजिटिव या नेगेटिव. तो डी नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मींस ये ऑलवेज कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव. ऐसे ही जो बड़ा ब्रैकेट आपको दिख रहा है वो भी यहाँ पॉजिटिव है. ये भी काफी काम में लेते हैं आप, क्लास 11th के अंदर आपने एक्सप्रेशन डेफिनेटली देखा होगा. फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं इसको एक बार आपको बाद में बता दूंगा कि ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है. बट ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए ऑलवेज ये पॉजिटिव आएगा. क्यों आता है एक बार अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. तो जो ऑलवेज पॉजिटिव है उसको भेजिए जीरो के अंदर आप, उसका कोई काम ही नहीं है. यानी उसी से आप क्या कर देंगे, दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे. और डिवाइड करने से, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इन इक्वेशन के साइन पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है. तो इट विल बी एक्स माइनस टू पावर सेवन एक्स पावर 101 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन की पावर कितना हो गया, 102, और यहाँ पे एक्स माइनस टू की पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक काम और कर सकते हैं हम, एक्स माइनस टू की पावर 5 है और यहाँ पे कितना है, 7 है. इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. बट कैंसिल आउट करने से पहले आपको बोलना पड़ेगा कि x क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, dr में कभी 0 नहीं बनना चाहिए. तो मेंशन कर देंगे आप x नॉट इक्वल टू 2 और साथ में 1 भी नहीं होना चाहिए. अब इसमें जो भी आपको मैथमेटिक्स आती है वो लगा दीजिए आप, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो रिमेनिंग पार्ट विल बी x माइनस 2 की पावर कितना बनेगा, 2 इंटू एक्स की पावर 101 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 की पावर कितना हो गई, 102 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसको बाई नंबर लाइन आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो बना देंगे नंबर लाइन, यहां बना दे रहा हूं. यहां से 1, यहां से 2, यहां से 0. तो 0, 1 एंड 2. यहां प्लस आएगा, 2 कहां से आ रहा है, यहां से इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा. 1 यहां से आ रहा है, अगेन इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा. 0 यहां से आ रहा है, ऑड पावर है, साइन चेंज होगा, माइनस. आपका रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव, यानी प्लस साइन जहां कहीं आपको दिख रहा है. तो ये प्लस साइन देखो, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है. तो आंसर लिख दीजिए, एक्स बिलोंग्स टू 0, 0 में कोई दिक्कत नहीं, इक्वल का साइन भी है और 0 इसका रूट भी है, 0 इंक्लूड होगा, से लेके 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए. तो मैं एक काम करता हूँ, 0 से इन्फिनिट पूरा लगा लेता हूँ, बिकॉज आगे कंप्लीट इन्फिनिट है. बट दो पॉइंट आपको यहाँ पे माइनस करने के, 1 और एक 2, तो इनको हटा दीजिए बाद में, 1, 2. या आप चाहें तो इसी को ऐसा लिख पाएंगे, 0 क्लोज से, अगर ऐसा लिखना हो आपको, x belongs to 0 close to 1 open union 1 open से 2 open union 2 open से infinite open. एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही, किसी भी एक तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. अब ये देखिए कि ये पॉजिटिव कैसे हुआ, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं एक बार इस साइड में. आप x power 6 minus x power 5 plus x power 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. सपोज इसको बोल दिया मैंने पी ऑफ एक्स. एक्स में एक पॉलिनोमियल है डिग्री 6 का. अब इस टाइप के जो भी पॉलिनोमियल होंगे उनको डील करने का तरीका वही होगा जो बताने जा रहा हूं मैं यहां पे.
इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हर किसी पॉलीनोमियल का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होता है। तो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स को आपको चेक करना है कि x बिलोंग्स टू r के लिए पॉजिटिव कैसे हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ केसेस दिखाए, कुछ केसेस ऐसे कि कंप्लीट नंबर लाइन को मुझे चेक करना था। तो मैंने 1 या 1 से बड़े नंबर को चेक कर लिया, देन 0 से 1 के बीच में नंबर्स को चेक कर लिया, और देन 0 से कम वालों को चेक कर लिया। तो केस फर्स्ट, x लिया मैंने ग्रेटर देन 1। अब देखिए, अगर नंबर 1 से बड़ा होता है तो जितनी उसकी पावर आप इंक्रीज करते हैं वो नंबर उतना ही बड़ा होता चला जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ पेयरिंग दिखा दी, देखो ये वाले, बताओ अब अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये ब्रैकेट कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, बिकॉज x पावर 6 बड़ा होगा, x पावर 5 उसके कंपैरिजन में छोटा होगा, बिकॉज 1 से बड़ा नंबर है, पावर जितनी बड़ी लेंगे नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ऐसे ये पॉजिटिव, ऐसे ये पॉजिटिव, और 1 तो पॉजिटिव है, तो सारे पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली px कैसा बन जाएगा, यहाँ पे px कैसा बन जाएगा इस केस में, 0 से बड़ा बन जाएगा। इवन 1 को भी चेक कर लेते हैं साथ में, अगर 1 हो गया तो क्या होगा, अगर 1 हो गया x तो ये 0, ये 0, ये 0, और ये 1, 0 0 0 प्लस 1 विल बी 1, जो कि पॉजिटिव है। यानी x जब 1 या 1 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली px कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। आगे चेक करते हैं केस नंबर 2। x को ले लिया मैंने 0 से 1 के बीच में। अब आप जानते हैं कि अगर x 0 से 1 के बीच में होगा, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में होता है तो जितनी उसकी पावर आप इंक्रीज करते हैं वो नंबर उतना ही डिक्रीज होता है, छोटा होता है। तो देखिए, अगर 0 से 1 के बीच में होगा x, तो ये x की पावर 6 और x की पावर 5 में बड़ा कौन सा होगा, x की पावर 5 बड़ा होगा। तो ये छोटा और ये बड़ा, डेफिनेटली डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव। ऐसे ये भी नेगेटिव और ऐसे ये भी नेगेटिव, और तीनों अगर नेगेटिव है तो उनका सम भी कैसा आएगा, नेगेटिव। अब उस नेगेटिव में क्या ऐड कर रहे हैं आप, 1। अब उस नेगेटिव में अगर आप 1 ऐड कर रहे हैं तो अब यहां से थोड़ी फील कम आ रही होगी आपको कि अब जो फाइनल सम बनेगा वो पॉजिटिव भी बन सकता है और वो नेगेटिव भी बन सकता है, कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी फील सी नहीं आ पा रही। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी px को उल्टा लिख दिया, उल्टा मतलब राइट और लेफ्ट, मतलब जैसे a प्लस बी को आप b प्लस ए लिखो, बातें की a प्लस बी और b प्लस ए ही होता है, ऐसे ही मैंने इसको इस वाले साइड को इधर लिख दिया, मतलब 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 और प्लस एक्स पावर 6। अब देखिए, जैसे वहां पेयरिंग बनाया था आपने, यहां पेयरिंग बना दो आप। x था मेरा 0 से 1 के बीच में, तो 1 में से ऐसा नंबर माइनस कर रहे हैं जो 1 से कम है और 0 से बड़ा है, तो डेफिनेटली कैसा बनेगा, ब्रैकेट पॉजिटिव बनेगा। ऐसे ही बताओ, x स्क्वायर और x क्यूब में छोटा कौन सा होगा, x क्यूब छोटा होगा, x स्क्वायर उससे बड़ा होगा, तो अगेन डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव। ऐसे ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, और x पावर 6 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सारे पॉजिटिव हैं, सारे 0 से बड़े हैं, तो उनका सम भी कैसा बनेगा, 0 से बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंफर्म कर पा रहे हैं, डेफिनेटली जब x 0 से 1 के बीच में होगा तब भी px कैसा बनेगा, ग्रेटर देन 0 ही बनेगा। अब 0 को भी चेक कर लेता हूँ, अगर x 0 हो गया तो क्या होगा, अगर x 0 हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे 0 हो गए, बस एक 1 बचेगा और 1 तो पॉजिटिव है, यानी जब 0 होगा तब भी px कैसा बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। तो आप अभी तक क्या कर चुके हैं, 0 एंड 0 के आगे सारे रियल नंबर्स को चेक कर चुके हैं आप। अब चेक करते हैं नेगेटिव साइड को, केस नंबर 3। x जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, देखिए जब x नेगेटिव होगा तो क्या होगा, x पावर 6 नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव बनेगा, x पावर 5 नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव बनेगा, बट बाहर क्या है, माइनस साइन है, अगेन पॉजिटिव बन गया, यानी ब्रैकेट पॉजिटिव आ गया। x पावर 4 पॉजिटिव है, x क्यूब नेगेटिव बनेगा बट बाहर माइनस साइन बैठा है, पॉजिटिव बन गया। x स्क्वायर पॉजिटिव, x नेगेटिव है बट बाहर माइनस साइन है, पूरा पॉजिटिव बन गया। इन्हें सारे ब्रैकेट कैसे बन जाने, पॉजिटिव बन जाने, देन इसमें प्लस 1 भी कर रहे हैं आप, 1 तो पॉजिटिव है, तो अगेन px कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो इन टोटल हर केस में आपको px कैसा मिल रहा है, 0 से बड़ा ही मिल रहा है, और मल्टीपल केसेस का ऑलवेज क्या लेते हैं आप, यूनियन लेते हैं। तो बताओ हर केस में px कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या आप ऐसा कमेंट कर पाएंगे, px इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की हर रियल वैल्यू पे px कैसा बनेगा, 0 से बड़ा बनेगा, और वही लिखा था मैंने। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स प्लस थर्टी फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। डोमेन फाइंड करना है, यहाँ पे एक रूट ऊपर है और यहाँ पे एक रूट नीचे है। इसको गलती से भी ऐसा मत कर देना भी कि ऐसा लिख दिया आपने। ये गलती मत कर देना। क्यों, सोच के देखिए आप, ऐसा क्यों मना कर रहा हूं मैं? अगर ऐसा आपने लिख दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो आप। अब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन, इसका जब डोमेन फाइंड करने जाएंगे आप, तो यहां पे क्या बोलेंगे आप, ये कैसा होना चाहिए? जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। जिसका इनपुट है रूट का, वो इनपुट कैसा होना चाहिए? जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब समथिंग बाई समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं आप, दो एक्सप्रेशन का रेशियो कैसा बोल रहे हैं आप? जीरो या जीरो से बड़ा बोल रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल है? जब दोनों क्या होंगे? सेम साइन के होंगे। दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। यहां देखिए आप, अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या आपको जो फंक्शन दिया जा रहा है वो डिफाइन हो पाएगा? ये भी नेगेटिव इनपुट और ये भी नेगेटिव इनपुट, अगर ये इनपुट नेगेटिव बन गया तो रूट का इनपुट नेगेटिव बनते हुए डिफाइन नहीं होगा। तो जब भी किसी फंक्शन का डोमेन आपको निकालना हो तो जो आपको दिया जा रहा है वहीं से डोमेन निकालना आपको। अगर उसमें आपने कुछ मैथमेटिक्स लगा दी और देन डोमेन निकालने गए आप, तो अब डोमेन अलग आ सकता है। इसका डोमेन अलग आएगा, इसका डोमेन अलग आएगा। अगर सवाल आपको ये दे रखा है तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलने वाले आप कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बट अगर सवाल ये दे रखा है तो आप क्या बोलेंगे, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा एंड इसको भी करना पड़ेगा। तो ऐसी गलती आपको भविष्य में रिपीट नहीं करनी है। जो फंक्शन दिया जा रहा है उसी का डोमेन निकालिए, उसमें फालतू में कोई मैथ्स मत लगाइए। आप बताते ले फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देन इसका डोमेन निकाल लेते हैं। अगर फंक्शन को आपने सिंप्लीफाई कर दिया मैथमेटिकली तो उसका डोमेन चेंज हो सकता है, डेफिनेटली यहां पर होगा। तो इसको मिटा रहे हैं आप। करिए दोनों को डिफाइन। तो इसके लिए कॉस एक्स माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इसको डिफाइन करना है। तो सिक्स प्लस थर्टी फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर ऑनली कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, बिकॉज डी आर में जीरो भी नहीं बनना चाहिए। ये तो रूट को डिफाइन कर दिया। अब अंदर जो फंक्शन ओवर है एक बार उनको भी संभाल लीजिए आप। कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डोमेन इसका आर होता है और हाफ तो कॉन्स्टेंट फंक्शन, डोमेन आर होता है, कोई समस्या नहीं। और यहाँ पे अंदर क्या बैठा है? पॉलीनोमियल, डोमेन अगेन क्या होता है? आर। तो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ओनली रूट को थी, उसको आपने दूर कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करना। अब तो यहाँ पे क्या कमेंट कर देंगे, कॉस ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। इसको सिंप्लीफाई करना आप जानते ही हैं बाई ग्राफ। अब वो फालतू में पूरा अपने सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। बिकॉज लास्ट एक जो अपना सवाल लिया था क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, वहां बताया था मैंने कि जब दोनों कॉमन पार्ट फाइंड करना है तो किसी एक को सोल्व कर लें आप, जिसको सोल्व करना आसान है। अब जो कॉमन पार्ट आएगा वो उस एक्स से बाहर तो पॉसिबल नहीं है, तो उसी एक्स को इसके लिए वेरीफाई कर लेंगे कि उस एक्स में कहां कहां हाफ से बड़ा आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। माइनस साइन कॉमन निकाल लो यहां से, तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव एक्स माइनस सिक्स विल बी लेस देन जीरो। फैक्टराइज कर लेंगे इसको तो ये बन जाएगा सिक्स
एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 36x + x माइनस 6 विल बी लेस देन 0। यहाँ से कॉमन लेंगे आप 6x, इट विल बी x माइनस 6 प्लस 1x माइनस 6 लेस देन 0। तो ये हो गया आपका x माइनस 6 इंटू 6x + 1 इज लेस देन 0। नंबर लाइन से लगा लेंगे इसको, यहाँ से मिलेगा आपको x -1/6 से लेके +6 ओवर। अब जो दोनों को मुझे कॉमन पार्ट लेना होगा तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा कॉमन पार्ट वाला वो इस इंटरवल से बाहर पॉसिबल नहीं है, तो आप इस वाले को केवल इसी इंटरवल में सोल्व करिए, क्यों फालतू में पूरा सिंप्लीफाई किया जाए। तो ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ किसका बनेगा, लेफ्ट को भी वाई से इक्वेट करेंगे यानी वाई इक्वल टू कॉस का ग्राफ बनाएंगे, एंड राइट को भी वाई से इक्वेट करेंगे यानी वाई इक्वल टू हाफ का ग्राफ भी बनाएंगे। तो वाई इक्वल टू कॉस का ग्राफ जानते ही हैं, ठीक है। y इक्वल टू हाफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। -1/6 से 6 में चेक करना है, तो ये देखो पॉइंट्स यहां पे आपका 0 हो गया x, यहां पे π/2, यहां पे कितना पाई, आगे और चलना पड़ेगा थोड़ा अपने को, और आगे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 2π। अब 2π डेफिनेटली 6 से बड़ा ही होता है, 6.28, तो 6 उससे पहले आएगा, ये 2π पॉइंट था तो 6 उससे पहले ही आना है। अब ये पॉइंट कौन सा, एक बार ये देख लीजिए आप, ये वो पॉइंट है जहां पे कॉस का वैल्यू कितना बनेगा, हाफ बनेगा, वो भी कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू हाफ कहाँ पे आता है, 2π - π/3, और 2π - π/3 कितना हो गया, 2π - π/3 पे कॉस क्या आ जाएगा आपका, हाफ आ जाएगा, कितना बन गया 5π/3। और 5π/3 6 से बड़ा या छोटा ये चेक कर लीजिए आप, ये था आपका 6.28, और यहां पे 2π में से आपने π/3 माइनस कर दिया, π/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग के आसपास, 6.28 माइनस 1 पॉइंट समथिंग विल बी 5 पॉइंट समथिंग, तो डेफिनेटली 6 से आगे आएगा, तो 6 समथिंग आ गया यहाँ पे आपका, इनके बीच में कहीं बना लेते हैं आप, ये हो गया 6। अब चेक करते हैं -1/6, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है जहां पे कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ, नेगेटिव साइड में विल बी -π/3, और -π/3 कितना होगा, -1 पॉइंट समथिंग, तो -1/6 तो उससे बड़ा ही है, तो -1/6 समथिंग यहां लगा लेता हूं, ये 0 हो गया, ये हो गया -1/6। तो -1/6 से लेके 6 तक चेक करना आप, इतने पार्ट में चेक करना है कि कॉस का वैल्यू कहां कहां हाफ से बड़ा है, यानी लेफ्ट वाला जो ग्राफ है वो राइट वाले ग्राफ से कहां कहां ऊपर आपको दिख रहा है। तो देखिए जरा दोनों ग्राफ आपके सामने हैं, लेफ्ट यानी कॉस का ग्राफ वाई इक्वल टू हाफ से ऊपर कहां कहां दिख रहा है आपको, -1/6 से लेके 6 में, तो ये पार्ट एक, तो ये पार्ट आ जाएगा, और यहां पे एक पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। बस क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो चुका है, अब करस्पॉन्डिंग एक्स आपको लगा देना है, यहां पे एक्स स्टार्ट कहां से हो रहा है, -1/6 से, -1/6 पे ओपन या क्लोज, यहां पे ओपन है, तो यहां पे इंक्लूड था वैसे इस वाले में, बट यहां पे इंक्लूड नहीं है तो कॉमन पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा। से लेके कहां तक, ये वाला पॉइंट कौन सा है जहां पे कॉस की वैल्यू हाफ आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पे, π/3 के ऊपर, π/3 उसके अंदर भी इसके अंदर भी क्लोज होगा, यूनियन यहां पे एक्स कितना 5π/3, 5π/3 दोनों में इंक्लूड है, क्लोज ब्रैकेट, और ये हो गया 6 आपका, 6 इसमें इंक्लूड नहीं है मतलब ओपन, तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, -1/6 ओपन से π/3 क्लोज, यूनियन 5π/3 क्लोज से 6 ओपन। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, थर्ड
y इक्वल टू ये गिवन आपको 1 अपॉन स्क्वायर रूट डब्बा x माइनस x, इसका डोमेन निकालना आप। तो रूट फंक्शन है, डिफाइन करिए इसको, बॉक्स x माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0, और अंदर जो फंक्शंस काम आ रहे हैं दिए फंक्शन उसका डोमेन तो आर ही होता है, और x एक पॉलीनोमियल उसका डोमेन भी क्या होता है आर ही होता है। तो दिक्कत ओनली रूट को थी, उसके लिए आपने लिख दिया यहाँ पे कंडीशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपका बॉक्स ऑफ x इज लेस देन x, और ये देखते ही कुछ दिमाग में आना चाहिए, प्रॉपर्टी लिखी थी आपने जी आई एफ फंक्शन के अंदर, यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ उसको, बॉक्स ऑफ x जो होता है वो ऑलवेज x माइनस वन से बड़ा होता है एंड लेस देन इक्वल टू x होता है, लेस देन इक्वल टू x होता है। देखिए जरा इसको, बॉक्स x x माइनस वन से बड़ा एंड लेस देन इक्वल टू x, यहां पे ये नहीं, ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, आप ये ऐसा लिखा, ये लिखा हुआ बॉक्स x ये जाएगा राइट में x। तो चेक कर लीजिए, यहां बोल रहे हैं आप कि ये एक्चुअल में होता है ऐसा जो मैंने लिखा है कि बॉक्स x ऑलवेज x या x से कम रहेगा, बॉक्स x की वैल्यू ऑलवेज x या x से कम रहेगी, और यहां पे क्या बोल रहे हैं आप x से बड़ा, वो तो पॉसिबल नहीं, ये तो उसकी हकीकत नहीं जो लिखा है एक्चुअल में, ऐसा x की हर रियल वैल्यू पे ऐसा होता है कि जो बॉक्स x रहेगा वो x माइनस वन से बड़ा रहेगा और x या x से कम रहेगा, यानी x माइनस वन से x के बीच में रहेगा, और यहां पे बोल रहे हैं आप x से बड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है मतलब मैथ्स में क्या बोलते हैं इसको आप, x बिलोंग्स टू फाइव, x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसपे फंक्शन क्या हो जाएगा डिफाइन हो जाएगा। फोर्थ, y इक्वल टू रूट बॉक्स लगा रखा है देन ln लगा रखा है देन x अपॉन अगेन बॉक्स x और ये बॉक्स क्लोज, ये ब्रैकेट यहां पे बॉक्स फंक्शन के लिए दिया था, मेंशन किया था कि सवाल के अंदर कि ये यहां पे जी आई एफ फंक्शन के लिए ब्रैकेट लगाया था, ठीक है। तो एक तो रूट फंक्शन हो गया, इसको डिफाइन करें आप, एक बॉक्स फंक्शन तो ऑलवेज डिफाइन होता ही है, देन ln फंक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा, और अंदर बॉक्स फंक्शन वो तो डिफाइन है, ठीक है। तो कंडीशन लिख दीजिए, रूट के लिए उसका इनपुट मींस बॉक्स ऑफ ln x बाय बॉक्स x ये कैसा होना चाहिए आपका, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये तो डिफाइन किसको किया आपने, रूट को डिफाइन किया। आगे चलता है, ln को डिफाइन करना पड़ेगा, और ln कब डिफाइन होगा, जिसका आर्ग्यूमेंट कैसा बनेगा, पॉजिटिव मींस x अपॉन बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसका नंबर लेते हैं, बॉक्स ऑफ समथिंग बोल रहे हैं आप 0 या 0 से बड़ा, अगर बॉक्स ऑफ समथिंग 0 या 0 से बड़ा है तो जो समथिंग है बॉक्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टार्ट कहां से होगा, 0 से और एंड इनफिनिट तक चलता रहेगा। तो ये यहाँ पे ln ऑफ x by box of x ये कैसा बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ln को हटा दो, बेस e है, 1 से बड़ा इंक्रीजिंग बनेगा, तो x by box of x will be greater than equal to e power 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है एंड इसको सिंप्लीफाई करना है, लास्ट में दोनों के x का कॉमन पार्ट मुझे निकालना था, तो दोनों को इंडिविजुअल सिंप्लीफाई क्यों किया जाए, देखो यहाँ भी x बाई बॉक्स x लिखा है और यहाँ भी x बाई बॉक्स x लिखा है, यहाँ पे बोल रहे हैं 1 या 1 से बड़ा और यहाँ बोल रहे हैं 0 से बड़ा, तो कॉमन पार्ट ये निकाल लेता हूँ ना मैं, क्यों फालतू में पहले सिंप्लीफाई किया जाए, तो कॉमन पार्ट बताओ क्या बनेगा, x बाई x बाई बॉक्स ऑफ x विल बी 1 या 1 से बड़ा, x की वही वैल्यू कॉमन रहेंगी जिनके लिए x बाई बॉक्स x क्या रहेगा 1 या 1 से बड़ा रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गलती से कर मत देना बिकॉज ये कंफर्म नहीं कि बॉक्स x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो 1 को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, अब एलसीएम लेंगे, कितना बनाई, x माइनस बॉक्स x डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है उस आप, देखिए जरा कैसे होगा सिंप्लीफाई, x माइनस बॉक्स x क्या बनता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन कितना डब्बा x, कैसा बन गया ये, जीरो या जीरो से बड़ा। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज आप जानते हैं जीरो क्लोज से वन होती है,
यानी जब फ्रैक्शनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जीरो बाई समथिंग, बस वो नॉन जीरो होना चाहिए समथिंग, तो जीरो बाई नॉन जीरो जीरो ही बनेगा और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही लिखा है। और जिस टाइम में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो से वन के बीच में होगा तब तो कोई रोल ही नहीं है इसका, कहां जाएगा वो जीरो के अंदर। तो दो केस आप यहां पे दिखा सकते हैं, केस नंबर वन कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाए जीरो हो जाए, और केस नंबर टू पैरेलल फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाए जीरो से वन ओपन हो जाए। ये कब होगा, जब एक्स क्या बनेगा इंटीजर बनेगा। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जीरो हो गया तो ये तो खत्म ही होगा ना, यहां पे देखो जीरो बाई बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये बॉक्स एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, बस बॉक्स एक्स जीरो नहीं होना चाहिए उस केस में, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जो कि ऑलवेज क्या है ट्रू है। तो केस स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से, और यहां पे क्या बोल रहे हैं एक्स इंटीजर आ रहा है, ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, ऑलवेज मतलब एक्स की जो भी आपने केस के अंदर वैल्यूज ली है उन सब के लिए ट्रू होगा, एक्स आपका इंटीजर है। केस के अंदर तो आप ऑलवेज इंटरसेक्शन लेते हैं ना, तो यहां से तो ऑलवेज एन एक्स बिलोंग्स टू आर बना था और यहां पे क्या बना इंटीजर, अब आर और इंटीजर का इंटरसेक्शन तो आई आएगा ना, तो एक्स बिलोंग्स टू आई हो गया, ठीक बात है, बट साथ में बॉक्स जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला कि एक्स इसका इंटीजर आंसर होगा, अब ऐसा कौन सा इंटीजर होगा इसका बॉक्स वैल्यू जीरो बनेगा, जीरो का ही बनेगा। तो केस फर्स्ट का जो फाइनल आंसर है वो क्या बन गया आपका, इंटीजर माइनस जीरो, जीरो आपको हटा देना, बाकी सारे इंटीजर इसके आंसर में आएंगे। अब केस टू को सोल्व कर लेते हैं, केस टू में बोल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है जीरो से वन के अंदर। आपका सवाल क्या चल रहा था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो से वन के अंदर है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है, गया जीरो के अंदर, क्या बचा वन बाई बॉक्स एक्स, जीरो है जीरो से बड़ा, तब ये जीरो है जीरो से बड़ा कब बनेगा, जब बॉक्स ऑफ एक्स कैसा बनेगा जीरो से बड़ा बनेगा। अगर ये नेगेटिव बन जाएगा बट वन अपॉन समथिंग नेगेटिव हो तो नेगेटिव बन जाएगा ना, आपको चाहिए पॉजिटिव, तो बॉक्स एक्स शुड बी जीरो से बड़ा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स, इसको ऐसा लिख पाएंगे वन या वन से बड़ा, अब x will be greater than equal to 1, but आपने केस के अंदर ऑलवेज क्या लेना होता है इंटरसेक्शन, तो यहां से जो बनाया और साथ में ये जो आपने केस स्टार्ट किया था उनका कॉमन पार्ट लेंगे आप, और यहां पे क्या बोल रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा होना चाहिए जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में कब पॉसिबल है, जब x क्या नहीं हो इंटीजर नहीं हो, तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या है, x क्या नहीं होना चाहिए इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो वन या वन से बड़े रियल नंबर्स इंटीजर भी नहीं होने चाहिए, तो इंटीजर आपको सारे आप हटा देने हैं। तो फाइनल क्या बोलने वाले हैं दोनों केसेस का यूनियन, अब बताओ आंसर क्या लिखोगे आप, दोनों को ज्वाइन करना है, यहां बोल रहा है इंटीजर माइनस जीरो और यहां पे क्या बोल रहे थे आप वन या वन से बड़े रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग ऑल इंटीजर्स, वन या वन से बड़े रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग इंटीजर्स, जैसे वन हट जाएगा देन टू हट जाएगा देन थ्री हट जाएगा, सारे इंटीजर हटते रहेंगे, और यहां पे इंटीजर माइनस जीरो, दोनों को ज्वाइन करना है, तो फाइनल आंसर तो दिखेगा आपको वो कुछ ऐसा दिख जाएगा, इंटीजर यहां पे आ चुके हैं और इंटीजर आप यहां पे हटा रहे थे, तो जब दोनों का यूनियन लेंगे आप तो डेफिनेटली इंटीजर सारे आ जाएंगे, पर जीरो नहीं आएगा आपका, तो उसका ऐसा लिख दो एक्स बिलोंग्स टू जिसे एन ये विद कर्ली ब्रैकेट बोल दिया मैंने, और यूनियन लगा दो वन से इन्फाइनिट, और यहां पे लगा दिया मैंने ओपन। अब n को स्पेसिफाई कर दो आप, जहां पे n क्या बन जाएगा बिलोंग्स टू, क्या बोलोगे i माइनस जीरो, ये अपना आंसर हो जाएगा। सारे इंटीजर्स जीरो को छोड़ के और साथ में वन टू इनफाइनिट, वन यहां पे ओपन मैंने इसलिए लगा दिया बिकॉज वन ऑलरेडी यहां पे आ चुका है, अब दो जगह लगाएं क्या फायदा है, तो ये इसका बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं,
फिफ्थ y इक्वल टू अगेन स्क्वायर रूट दे रखा है log बेस टू log बेस थ्री log बेस थ्री नहीं बेस वन बाय थ्री है और यहां बेस है वन बाय फोर और इसका आर्ग्यूमेंट है x, इसका डोमेन निकालना आपको। तो देखिए फंक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व है यहां पे, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फंक्शन शुड बी डिफाइंड, सभी फंक्शन को डिफाइन करना होता है। एक तो रूट फंक्शन उसको डिफाइन करेंगे आप, और लॉग फंक्शन भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तीन फंक्शन है लॉग, एक तो ये वाला एक ये वाला, तीनों को डिफाइन करना है, ऐसा नहीं किसी एक को डिफाइन कर दिया आपने, तीनों लॉग को आप डिफाइन करेंगे। इस लॉग को डिफाइन करने का मतलब इसका जो आर्ग्यूमेंट है, इसका आर्ग्यूमेंट जो इसके आगे लिखा हुआ है यानी पूरा ये कहता होना चाहिए पॉजिटिव, जब इसको डिफाइन करने जाएंगे आप इसका आर्ग्यूमेंट मतलब जो इसके आगे लिखा है यानी पूरा ये कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, और जब इस लॉग को डिफाइन करने जाएंगे तो इसका आर्ग्यूमेंट यानी एक्स वो भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। तो वन बाई वन सभी को डिफाइन करते हैं अपन। पहले डिफाइन किया हमने स्क्वायर रूट को, वो तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करने का मतलब उसका आर्ग्यूमेंट यानी उसका इनपुट कैसा बनना चाहिए, वो पॉजिटिव बन जाना चाहिए, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्लोप को डिफाइन करता हूं, तो इसका आर्ग्यूमेंट यानी पूरा लॉग बेस वन बाय थ्री वन बाय फोर एक्स होना चाहिए जीरो से बड़ा, देन स्लोप को डिफाइन करेंगे यानी इसका आर्ग्यूमेंट means log of x to the base 1 by 4 must be greater than 0, then is log को define करेंगे आप इसका argument कैसा x जो कि होना चाहिए positive। अब इन सभी को simplify करना है और last में सभी का common part आपको find करना है। start करते हैं यहाँ से, इस log को हटाना है, base इसका 2 है, 1 से बड़ा है, increasing है, sign change नहीं होगा, हट गया यहाँ से ये 2 जाएगा right hand side में, क्या बचेगा इसका argument, इसका argument ये पूरा है, log base 1 by 3 log base 1 by 4 x greater than equal to 2 power 0 यानी 1, then ये log हटेगा base 1 by 3 1 से कम है decreasing sign change होगा इसका argument बच जाएगा, तो it will be log of x base 1 by 4 less than equal to कितना 1 by 3 की power 1 1 by 3, then इसको हटाएंगे base 1 by 4 again 1 से कम decreasing है sign change होगा, तो x will be greater than equal to 1 by 4 की power 1 by 3, ये तो बन गया फर्स्ट। सेकंड पे आते हैं, इसको हटाएंगे बेस 1 बाय 3 1 से कम है साइन चेंज होगा मींस लॉग ऑफ एक्स बेस 1 बाय 4 लेस देन 1 बाय 3 की पावर 0 विल बी 1, अगेन हटाएंगे इसको आप तो एक्स विल बी ग्रेटर देन 1 बाय 4, नेक्स्ट एक्स विल बी लेस देन 1 और यहां पे एक्स लिखा ही है, इन सभी का आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन। देखिए जरा क्या बनेगा, यहां पे बोल रहे हैं 1 बाई 4 से बड़ा, यहां पे बोल रहे हैं आप 0 से बड़ा, और यहां पे बोल रहे हैं 1 बाई 4 की पावर 1 बाई 3 से बड़ा, तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 0 छोटा होगा 1 बाई 4 छोटा होगा या फिर ये छोटा होगा, 1 बाई 4 में कोई दिक्कत नहीं 0 में कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लीजिए 1 बाई 4 की पावर 1 बाई 3 1 बाई 4 की पावर 1 बाई 3 ये जो होगा आपका नंबर ये 1 बाई 4 से बड़ा आएगा, चेक कर सकते हैं इट विल बी ग्रेटर देन 1 बाई 4, तो 0 से बड़ा एंड यहां पे 1 बाई 4 से बड़ा एंड यहां पे 1 बाई 4 से बड़े से भी बड़ा, तो बताओ स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट यहीं से हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 1 बाई 4 की पावर 1 बाई 3 क्लोज ब्रैकेट इंक्लूड है यहां पे से लेके एंड कहां पे होगा 1 से कम होना चाहिए, तो 1 पे हो, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो बड़ा आसान सवाल है, जो भी आपको फंक्शन दिया जा रहा है उसको बस डिफाइन करते चलो, ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट सिक्स y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log cos 2 पाई x टू द बेस x, अगेन डिफाइन करना इसको, दो फंक्शन है एक रूट और एक log और साथ में cos फंक्शन जो कि ऑलवेज डिफाइन होता है, तो रूट को डिफाइन करते हैं, तो log ऑफ cos 2 पाई x टू द बेस x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन log को डिफाइन करता है log का आर्ग्यूमेंट यानी cos 2 पाई x,
जीरो से बड़ा होना चाहिए, एंड लॉग का बेस भी वेरिएबल दे रखा है आपको यहाँ पे, तो बेस कैसा होना चाहिए लॉग का, जीरो से बड़ा होना चाहिए एंड वन भी नहीं होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाई ग्राफ, और इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल बेस है, जब भी लॉग के अंदर वेरिएबल बेस आता है इन इक्वेशन के ऊपर, तो आप दो केस बनाते हैं, एक बार बेस को जीरो से वन के अंदर और एक बार बेस को वन से बढ़ा लेते हैं, और लास्ट में दोनों केसेस का क्या बनाते हैं आप, यूनियन बनाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, लास्ट में तीनों का कॉमन पार्ट बना सकते हैं। बट ऐसा करने की बजाय, मुझे ये पता है कि जब भी लॉग का वेरिएबल बेस आता है तो सवाल थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, तो उसको यूं समझिए आप, फालतू में सभी को सिंप्लीफाई क्यों किया जाए, जिसको सिंप्लीफाई करना आसान है, किसी इन इक्वेशन को जिस पार्ट को सिंप्लीफाई करना आसान है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जो भी उसका आंसर आता है उसको वहां पर काम ले लेते हैं आप, बिकॉज जो फाइनल कॉमन पार्ट आएगा वो कॉमन पार्ट इसके आंसर से तो बाहर पॉसिबल नहीं है ना, और ना ही इसके आंसर से बाहर पॉसिबल है, तो जिसको सिंप्लीफाई करना आसान है उसको सिंप्लीफाई करते हुए उसको और आप वहीं पे यूज ले लीजिए, जिससे कि कुछ हद तक आपकी कैलकुलेशन कम हो सकती है। तो देखते हैं, ये तो कोई समस्या नहीं, एक बार यहां थोड़ा सा आप लॉग को और साथ में इसको एक साथ सोच के देखिए, दोनों को एक साथ आप सोच के देखिए क्या आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। कॉस की वैल्यू जीरो से बड़ी बोल रहे हैं हम, अब जीरो से बड़ी कहां तक जाएगी, ओबियस हो वन तक ही जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या है, जीरो से बड़ा एंड लेस देन इक्वल टू वन, यानी जो लॉग का आर्ग्यूमेंट आपको दिख रहा है वो लॉग का आर्ग्यूमेंट इफेक्टिवली यहां पर कैसा है, वन या वन से कम है, वन या वन से कम है। अब ऐसा सोचते ही आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए कि जब भी लॉग का आर्ग्यूमेंट एंड लॉग का बेस अगर वन के सेम साइड में होते हैं, यानी वन से दोनों या तो बड़े या फिर वन से दोनों छोटे, तो लॉग की वैल्यू कैसे आती, पॉजिटिव आती। अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट एंड उसका बेस वन के डिफरेंट साइड में होते हैं, यानी एक तो वन से बड़ा और एक वन से छोटा, तो लॉग की वैल्यू कैसे आती है, नेगेटिव आती है। ये पॉइंट वहीं पकड़ में आना चाहिए, बिकॉज आप बोल रहे हैं कि ये जीरो से बड़ा तो है बट डेफिनेटली कैसा होगा, वन या वन से कम होगा, तो आर्ग्यूमेंट तो आपका ऑलवेज वन या वन से कम ही होगा ना, वन से बड़े का तो सवाल ही नहीं है, तो किस्त बननी नहीं है, तो ये आपका हो गया वन या वन से कम। तो आपने बोला कि वन के सेम साइड में या फिर वन के अपोजिट साइड में, या तो वन से बड़े या फिर वन से छोटे, वन की बात नहीं कर रहे हैं आप, और ये तो कॉस टू पाई किस्त वन भी पॉसिबल है आपका। तो अब यहां पे दो केसेस आपको बनती हुई दिख रही है, एक बार तो कॉस टू पाई को क्या ले लेंगे आप, वन ले लेंगे, और सेकेंड केस में क्या ले लेंगे, उसको आप जीरो से वन के अंदर ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन ऑफ थिंकिंग के ऊपर यहां पे दो केस आप दिखा सकते हैं। केस फर्स्ट, कॉस टू पाई एक्स को क्या ले लिया मैंने, वन ले लिया, और केस नंबर टू, कॉस टू पाई एक्स जीरो से बड़ा था, साथ में वन से कम, वन ऑलरेडी आप यहां ले चुके हैं। अब इनको सिंप्लीफाई किया जाए, कॉस की वैल्यू वन कहां पे आती है, 2n पाई के ऊपर, मीन्स 2 पाई x विल बी 2n पाई, और यहां से x कितना बन जाएगा आपका, ये 2 पाई तो कैंसिल आउट है, x विल बी n, और n यहां पे क्या होता है, इंटीजर होता है। चेक करते हैं हम, देखो इसको अभी सोल्व नहीं हुआ, यहां और कुछ देखना पड़ेगा, अभी तो आपने आर्ग्यूमेंट की बात करी थी, अब देखिए बेस जरा, बेस x जो लिखा था वो कैसा होना चाहिए, भी जीरो से बड़ा भी होना चाहिए ना, यहां पे x इंटीजर बोल रहे हैं आप, कोई बात नहीं, बट साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि x मेरा जीरो से बड़ा भी है और साथ में नॉट इक्वल टू वन भी, तो इंटीजर तो है बट इंटीजर कैसा, जीरो से बड़ा एंड नॉट इक्वल टू वन, उसको भी साथ में ही देख लीजिए आप, बिकॉज लास्ट में अल्टीमेट हम कॉमन पार्ट डिफाइन करना है ना, तो साथ में यही इसको मैं इंक्लूड करता हुआ चलता हूं। तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिखोगे केस फर्स्ट के लिए आप, इंटीजर वो भी कैसे, जीरो से बड़ा, यानी जीरो से बड़े इंटीजर, अब जीरो से आगे तो वन भी आता, आपको वन भी हटाना पड़ेगा, तो जीरो से बड़े इंटीजर कौन से स्टार्ट कहां से होते हैं, वन से ही होते हैं, और वन को भी हटा रहे हैं आप, तो ऐसा लिख दो उसको, एन माइनस वन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस वन, तो वन से बड़े इंटीजर हो जाएंगे। यानी केस फर्स्ट का आपका फाइनल आंसर निकल चुका है, इसमें ये भी काम भी ले लिया आपने, और साथ में इस वाले का एक पार्ट आप ऑलरेडी काम ले चुके हैं, और साथ में लॉग का पोर्शन भी, लॉग का पोर्शन एक बार और देख लेते हैं, लॉग को कहां इंक्लूड नहीं किया अभी मैंने, देखो लॉग वाला पार्ट अभी काम आया नहीं है, कैसे, अगर ये वन हो गया था, लॉग का आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, वन हो गया,
और log ऑफ वन कितना होता है, जीरो होता है, ये तो कितना बन गया जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, ये तो ऑलवेज सत्य है, जीरो तो हमेशा ही क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, और इक्वल साइन लगा रखा आपने, यानी लॉग वाला पार्ट भी यहाँ पे काम आ चुका है। तो ये पार्ट भी काम आ गया, इसका दो केस आपने बनाई थी, एक ये वाले केस, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो उसमें ये वाला पार्ट भी काम आ गया और साथ में ये वाला पार्ट भी आपने काम मिल गया, यानी केस फर्स्ट में तीनों आप यूज ले चुके हैं, यानी तीनों का इफेक्टिवली कॉमन पार्ट निकाल चुके हैं आप एक केस के अंडर। अब केस टू में आ जाओ, केस टू में क्या बोला आपने कि कॉस टू पाई एक्स कहां से कहां तक है, जीरो से वन के अंदर है। अब देखिए जरा आर्ग्यूमेंट कैसा हो गया, जीरो से वन के अंदर आर्ग्यूमेंट हो गया, जीरो से वन के अंदर यानी वन से कम हो गया। अब अगर लॉग का बेस वन से बड़ा हो गया, लॉग का बेस यानी एक्स, अगर वो गलती से वन से बड़ा हो गया तो आर्ग्यूमेंट तो वन से कम, बेस वन से बड़ा, दोनों वन के डिफरेंट साइड में आ गए, तो लॉग की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। बट आप क्या चाह रहे हैं, पॉजिटिव, यानी डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट यानी एक्स वन से बड़ा तो नहीं होना चाहिए इस केस में, तो फिर कैसा होना चाहिए, वन से कम। देखो जरा जीरो से बड़ा बोल रखा है तो डेफिनेटली वन से कम भी आपको बोलना पड़ रहा है। क्यों कम बोलना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वन से कम था, तो अगर बेस वन से कम होगा तभी दोनों सेम साइड में आएंगे और तभी लॉग की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आ पाएगी। तो जीरो से बड़ा ये बोल रहा है और वन से कम मैं खुद बोल रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी काम आ गया, ये वाला पार्ट भी काम आ गया केस नंबर टू इसका, और साथ में ये वाला पार्ट भी काम आ गया। तो इफेक्टिवली केस टू के अंदर भी मैं तीनों का कॉमन पार्ट एक साथ ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग यानी इन दोनों को मेरे को सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है बस। तो यहाँ पे इनपुट देखिए कितना है, टू पाई एक्स है, और यहाँ पे एक्स की बात कर रहा हूँ, अगर एक्स जीरो से वन होगा तो ये टू पाई एक्स कहां से कहां तक बन जाएगा, टू पाई एक्स, इसको टू पाई से इनटू कर दो आप दोनों साइड में, तो इट विल बी जीरो से लेके टू पाई तक। तो कॉस का जो आर्ग्यूमेंट था टू पाई एक्स वो वेरी कर रहा है जीरो से टू पाई। अब जीरो से टू पाई में आपको चाहिए कि इसका वैल्यू जीरो से वन के अंदर कहां पे आएगा, तो ग्राफ की बात कर लेते हैं, जीरो से टू पाई देखना है सबको, ये राज जीरो और यहाँ ये ग्राफ, तो मैंने साइन का बना दिया अभी, ग्राफ कॉस का ड्रॉ करना आपको, ये रहा जीरो और यहां पे कितना हो गया टू पाई, ये एक्स नहीं है, ये क्या चल रहा है यहां पे, टू पाई एक्स चल रहा है, टू पाई एक्स वेरी कर रहा है जीरो से टू पाई, तो एक्स कहां से कहां वेरी करेगा, जीरो से वन, वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, जीरो से वन थी अब, तो जीरो से वन में ये वाला पार्ट ही बनेगा, एक तो ये वाला इसको मटा दे रहा हूं, ऐसे कोई काम का नहीं है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया जीरो से वन में और एक ये वाला पार्ट हो गया। अब फाइंड क्या करना है, वो करस्पॉन्डिंग एक्स फाइंड करना है, ये तो अभी टू पाई एक्स बनाया आपने, तो यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे कितना पाई बाय टू, यहाँ पे कितना थ्री पाई बाय टू और यहाँ पे कितना टू पाई, तो टू पाई एक्स कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाय टू और यहाँ पे टू पाई एक्स कहां से कहां तक, थ्री पाई बाय टू से टू पाई, यहां लिख दे रहा हूं टू पाई एक्स, ये बना आपका जीरो से पाई बाय टू, दोनों पे ओपन रहेगा और साथ में यूनियन है, ज्वाइन कर रखा है आपने इसको, दूसरा बनाया टू पाई एक्स कहां से कहां तक, थ्री पाई बाय टू से, ये ऊपर लगा दे रहा हूं टू पाई एक्स निकाल लो यहां से, इस वाले में एक्स कहां से कहां तक है, टू पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये जीरो और ये कितना हो गया आपका वन बाई फोर, तो यहां से जो आ गया जीरो से वन बाई फोर और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका पाई कट गया थ्री बाई फोर से लेकर कहां तक, ये टू पाई बाई एक्स क्यों लिख दिया अभी, इतनी गलती क्यों हो रही है, टू पाई एक्स लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा आपका वन बन जाएगा। तो अब फाइनल यहां से क्या आंसर बन रहा है आपका, जीरो से लेके वन बाई फोर, वो तो यहां से आया था, और यूनियन इस वाले में क्या आ रहा है, थ्री बाई फोर से लेके वन तक, ये हो गया केस टू का आंसर फाइनल, जिसमें तीनों का कॉमन पार्ट आप चेक कर चुके हैं, और ये था केस फर्स्ट का आंसर। मल्टीपल केसेस का ऑलवेज क्या आता है, यूनियन आता है, वो तो फाइनल आंसर क्या बोलोगे आप, एक्स बिलोंग्स टू केस फर्स्ट, यूनियन केस नंबर टू। यहां तो बोल रहा हूं जीरो से वन बाई फोर, देन थ्री बाई फोर से वन, और यहां पे बोल रहा हूं मैं सारे नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग वन, तो उसको सेलेक्ट करते हैं अपन,
जीरो से वन बाई फोर, यूनियन थ्री बाई फोर से लेके वन, यूनियन एन माइनस वन, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा मे बी आपको डिफिकल्टी इसमें आ सकती है, ये तो मैंने एक साथ सोल्व किया, तीनों को एक साथ थिंक किया, तो इतना कम टाइम लग रहा है आपने को। अगर इसको वेरिएबल बेस दो केस में आकर आप सिंप्लीफाई करते तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम इस सवाल में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ सेकेंड लास्ट सवाल अपना, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय लॉग नाइन माइनस थ्री पावर एक्स टू द बेस थ्री है माइनस थ्री दे रखा है, डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन देख लीजिए कौन कौन से, रूट फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ में पॉलीनोमियल फंक्शन भी है। तो जो ये फंक्शन लगा रखा है थ्री पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन आर ही होता है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको, ओनली रूट को और साथ में लॉग को, तो पे कंडीशन बना देंगे अपन। फर्स्ट रूट के लिए वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय लॉग नाइन माइनस थ्री पावर एक्स माइनस थ्री और ये बेस थ्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो रूट के लिए हो गया। अब लॉग को डिफाइन करते हैं, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट नाइन माइनस थ्री पावर एक्स शुड बी जीरो से बड़ा। ठीक है, इसके अलावा ये पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जीरो भी नहीं होना चाहिए, वो अपन देख लेंगे बाद में साथ में। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले, दिखने में छोटा लग रहा है मेरे को, तो इट विल बी थ्री पावर एक्स गया राइट हैंड साइड में लेस देन नाइन यानी थ्री स्क्वायर। अब फंक्शन कौन सा है आप, एक्सपोनेंशियल, बेस इसका थ्री, वन से बड़ा है, उसको हटाएंगे आप और वन से बड़े बेस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, तो उसको रिमूव करने पे साइन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इट विल बी यहाँ पे एक्स और यहाँ पे टू, लेस देन साइन वही रहेगा, तो एक्स यहाँ पे आ गया टू से छोटा। अब या तो उसको पूरा सिंप्लीफाई करो अलग से, और ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है, लास्ट में दोनों का कॉमन पार्ट फाइंड कर लेंगे, या इसको आप यहीं पे काम में ले लीजिए, बिकॉज ये तो ऑलरेडी मिल चुका है ना आपको, तो जो कॉमन पार्ट आएगा आपका दोनों का सोल्व करने पे, वो इससे बाहर तो पॉसिबल नहीं है ना, तो अगर इससे बाहर पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली एक्स जो आने वाला है, कॉमन एक्स जो आने वाला है वो दो से कम ही आएगा, दो अगर दो से कम ही आएगा तो उसको ऑलरेडी यहीं पे काम में ले लो, कुछ हद तक कैलकुलेशन कम कर सकते हैं आप। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करूँ टर्म्स को, तो कुछ ऐसा बन जाएगा x माइनस वन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ नाइन माइनस थ्री पावर एक्स टू द बेस थ्री और माइनस का तीन, ये गया आपका राइट हैंड साइड में लेस देन इक्वल टू वन, ये बन गया। अब मुझे ये सोचना है कि मैं इसको कॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं या नहीं, कॉस मल्टीप्लाई तभी कर पाऊंगा जब इसके बारे में सर्टेन हो आप, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सर्टेन करने के लिए मेरे को पता है कि x कैसा है, टू से कम है। अब देखता हूं इस वाले इनपुट को मैं, अगर x टू से कम होगा तो डेफिनेटली थ्री पावर एक्स जो बनेगा आपका वो पक्का क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अगर x टू से कम होगा तो थ्री पावर एक्स डेफिनेटली क्या होगा, नाइन से कम ही बनेगा। और वैसे देखो ऑलरेडी यहाँ पे बोल रखा है आपने नाइन माइनस थ्री पावर एक्स कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो ये इनपुट कैसा है, जीरो से बड़ा है। अब जीरो से बड़ा मैक्सिमम कहां तक जाएगा वो चेक करिए आप, जीरो से बड़ा तो है लॉग को डिफाइन करने के लिए, बट ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है ये चेक करते हैं, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो आप बोल रहे हैं दो से कम, दो से एक्स दो से कम है, तो दो से कम कहां तक, माइनस इन्फिनिट तक, और माइनस इन्फिनिट के ऊपर थ्री पावर एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, जीरो बनेगी, और जीरो पे ओपन आएगा वो, तो अगर जीरो बनता है तो ये बनेगा नाइन, और लॉग ऑफ नाइन कितना बेस थ्री पे टू बनेगा, बट वहां पे थ्री पावर एक्स जीरो पे ओपन था, मतलब इसकी वैल्यू क्या नहीं आनी, टू भी नहीं आनी, यानी ऑलवेज क्या रहेगा वो टू से क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी ये जो पार्ट लिखा है वो क्या रहेगा, टू से कम रहेगा पूरा,
लेस देन टू, इसको चेक कर लिया मैं ऑलरेडी यहां पे। अब टू से कम माइनस तीन, दो से कम में आप एक रियल नंबर माइनस कर रहे हैं थ्री, तो ये पूरा डिफरेंस कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी अब इसके बारे में सर्टेन आप हो चुके हैं ये ऑलवेज कैसा है, नेगेटिव है, इसको इसके अकॉर्डिंग। तो अगर नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो इसको आगे सिंप्लीफाई किया जाए, यहां कर लेते हैं थोड़ा सा आगे यहां देख लेते हैं, x माइनस वन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन गया लॉग ऑफ नाइन माइनस थ्री पावर x टू द बेस थ्री माइनस का तीन। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है बस आपको, तो टर्म्स को अरेंज करिए, माइनस थ्री लेफ्ट में आएगा प्लस थ्री, तो इट विल बी x माइनस वन प्लस थ्री यानी x प्लस टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ नाइन माइनस थ्री पावर एक्स, बेस में कितना है थ्री, लॉग दिक्कत कर रहा है उसको हटाएंगे, बेस थ्री इंक्रीजिंग, साइन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, थ्री आएगा यहाँ पे, इसका बेस बन जाएगा थ्री पावर एक्स प्लस टू, तो यहां कर दे रहा हूं सिंप्लीफाई, थ्री पावर एक्स प्लस टू, थ्री पावर एक्स प्लस टू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया आपका नाइन माइनस थ्री पावर एक्स। अब यहां पे आप थ्री पावर एक्स बना सकते हैं, पावर को सेपरेट कर लीजिए, थ्री पावर एक्स इंटू थ्री पावर टू विल बी नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन माइनस थ्री पावर एक्स, ये आ गया लेफ्ट के अंदर, ये नाइन टाइम था, एक बार और आ गया तो विल बी टेन टाइम, टेन टाइम थ्री पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन, तो यहाँ पे थ्री पावर एक्स क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन बाई टेन। अब मुझे एक्स निकालना है, दिक्कत कर रहा है थ्री, क्या लगाएंगे, लॉग लगा देंगे, पावर को डील करने के लिए एकमात्र फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन, तो लॉग ऑफ थ्री पावर एक्स बेस क्या लेंगे थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ नाइन बाई टेन बेस थ्री, ये यहां से एक्स बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ नाइन बाई टेन टू द बेस थ्री, तो यहां से तो ये बना, और यहां पे क्या बोल रहे हैं, दो से कम होना चाहिए, तो इनका कॉमन पार्ट आप देख लो क्या लिख दोगे, x log of 9 by 10 बेस 3 से बड़ा और 2 से कम, इस पे ऊपर, ये इसका आंसर बन जाएगा। एक लास्ट सवाल और है, उसको भी देख लिया जाए, एट y इक्वल टू वन अपॉन डब्बा x, ये अगेन फंक्शन दिया था आपको, जी आई एफ मेंशन किया था सवाल के अंदर, प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टेन, और log का बेस आपको दिया जा रहा है वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक ऑफ साइन एक्स। काफी फंक्शंस का आपको अलजेब्रा दे रखा है, हर फंक्शन का डोमेन निकालिए आप, इसको भी डिफाइन करना है एंड इसको भी एंड इसको भी एंड इसको भी, तो वन बाय वन सभी को डिफाइन कर लेते हैं अपन। बॉक्स ऑफ एक्स तो ऑलवेज डिफाइन होता है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि वो डी आर में आ रहा है इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां पे क्या बोल देंगे, बॉक्स एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब होता है, बॉक्स एक्स जीरो कब बनेगा, जब एक्स जीरो क्लोज से वन ओपन होगा, डेफिनेटली जीरो क्लोज से वन ओपन नहीं होना चाहिए। आगे चलता है, इसका आर्ग्यूमेंट देखिए आप, और आर्ग्यूमेंट है क्वाड्रेटिक, अगर इसका डी देखा जाए, इसका डी देखा जाए तो डी यहां पे कैसा आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, अगर डी लेस देन जीरो और साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब ये ऑलवेज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कैसा है, पॉजिटिव है, तो आर्ग्यूमेंट में कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेस को चेक कर लेते हैं, बेस कैसा होना चाहिए आपका, जीरो से बड़ा एंड नॉट इक्वल टू वन, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज आप ऑलरेडी जानते हैं, वो होता है जीरो क्लोज से वन ओपन, को माइनस से इंटू कर लेता हूं, तो माइनस से इंटू करते क्या होगा, साइन उल्टा, ये इधर विद माइनस साइन और ये इधर विद माइनस साइन जीरो, अब वन ऐड कर दो तो वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स
ये बन गया आपका वन, एड करते ही वन माइनस वन जीरो, और ये जीरो प्लस वन ये ओपन है यहाँ पे, ये बन गया आपका वन। तो ये जो बेस दिख रहा है आपको वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा तो बन गया, बट आप बोल रहे हैं वन भी नहीं होना चाहिए, बट ये तो वन बन रहा है और ये नहीं बनना चाहिए। तो अगर वन नहीं बनना चाहिए, वन कब बन रहा है वो चेक कर लो। तो वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू वन कब, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा। जब ये जीरो बनेगा तब ये कितना बन रहा है, वन बन रहा है, बाकी कहीं को दिक्कत नहीं है इसको, बाकी जीरो से बढ़ा चुका है। आप बोल रहे हैं कि वन नहीं बनना चाहिए, वन कब बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर जीरो है तो एक्स क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए, इंटीजर पे वो जीरो बन जाएगा, और जीरो बनते ही ये बेस कितना बन गया आपका, वन बन गया। तो इस वाले पार्ट को यहां से हटा दे रहा हूं मैं, ये लो जीरो से वन आ गया था। अब आप बोल रहे हैं कि वो वन नहीं होना चाहिए, तो वन कहां पे बन रहा है, एक्स क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, टू माइनस मॉड ऑफ एक्स कैसा करोगे, जीरो से बड़ा, तो मॉड ऑफ एक्स विल बी लेस देन टू, एक्स कहां से कहां तक, माइनस टू से प्लस टू। इस पे आते हैं, sec ऑफ साइन एक्स कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, sec ऑफ साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। चेक करते हैं, साइन एक्स फंक्शन ऑलवेज डिफाइन है, sec फंक्शन ऑलवेज डिफाइन नहीं होता है। sec होता है वन बाई cos, जहां पे cos जीरो हो जाएगा वहां पे sec क्या हो जाएगा, अनडिफाइन, और cos जीरो कहां पे होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के ऊपर। बट यहां पे इनपुट क्या है उसका, sin x है, और sin x की खुद की औकात क्या होती है, कहां से कहां वेरी करता है, माइनस वन से वन वेरी करता है, यानी ये वेरी कर रहा है आपका माइनस वन से वन, यानी sec का इफेक्टिव इनपुट क्या हो गया, माइनस वन से वन हो गया। अब माइनस वन से वन के अंदर sec कैसा होता है, माइनस वन से वन के अंदर पाई बाई टू आपका 1.5 के आसपास होता है, पाई बाई टू आपका 1.5 के आसपास, तो जीरो से पाई बाई टू के अंदर, जीरो से पाई बाई टू के अंदर सेक पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस पाई बाई टू से जीरो के अंदर भी सेक पॉजिटिव होगा, बिकॉज सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर सेक कैसा है, पॉजिटिव, और ये माइनस वन से वन जो है वो तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का छोटा पार्ट है ना, वो तो उसके अंदर ही आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वाले पार्ट में तो ये सेक ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव हो गया, यानी कहीं कोई समस्या नहीं इस फंक्शन को, यहां से क्या बन गया, एक्स बिलोंग्स टू आर बन गया। क्यों, बिकॉज एक्स से कुछ भी रखो आपका साइन तो माइनस वन से वन ही रहेगा, कोई भी रियल नंबर देख लीजिए आप साइन के अंदर, साइन तो माइनस वन से वन के अंदर ही आएगा, और जो सेक का इफेक्टिव इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है, साइन जा रहा है, और साइन कहां से कहां तक, माइनस वन से वन, और माइनस वन से वन के अंदर सेक कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, मीन्स यहां से क्या मिल गया, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इन सब का फाइंड करना आपको कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन, ये तो पूरा ही होगा, माइनस टू से टू बात कर लेते हैं, पर इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक बात है, और यहां बॉक्स ऑफ एक्स जीरो भी नहीं होना चाहिए, यानी एक्स जीरो क्लोज से वन ओपन नहीं होना चाहिए, ये पार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस वाले पार्ट पे बॉक्स बन जाएगा जीरो, तो ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। अब लीजिए इनका कॉमन पार्ट क्या बोलोगे आप, इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, माइनस टू ओपन से कहां तक गए आप, वहां बोल रहे हैं ये पार्ट नहीं होना चाहिए, जीरो से वन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या बोल दिया, इसको एंड कर दिया जीरो पे, जीरो भी नहीं आना चाहिए, जीरो भी नहीं आना चाहिए, ये लो जी, देन यूनियन वन तक नहीं आएगा, वन तक नहीं आएगा, देन यहां देखिए आप साथ में बोल रहे हैं इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, वन तो इंटीजर होता है तो वन भी नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा वन से टू ओपन, और आर के साथ में तो कॉमन पार्ट आपका यही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ये और संभाल लीजिए, अब इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो यहां तो कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, बट यहां पे इंटीजर आ रहा है, कौन सा, माइनस वन, उसको हटा दीजिए आप अलग, ये बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये हो गया अपने टोटल 8 क्वेश्चंस जो लास्ट लेक्चर में दिए थे मैंने आपको। तो इस तरीके से किसी फंक्शन का डोमेन आप फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन कैसा भी मिले आपको, आपको तो उसको डिफाइन करना है बस। ओके, तो आज का लेक्चर अपन यही एंड करते हैं, थैंक यू।